तो हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे भाई। मैं अर्चित आपका बहुत स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल पिजन टिप्स में। तो भाई, जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है भाई, कबूतर के जो रखवे आ जाता है उसका क्या इलाज है, या फिर आप कह सकते हो कबूतर के झूले का क्या इलाज है, कबूतर के गर्दन तोड़ का क्या इलाज है, या फिर पिजन नेक ट्विस्टिंग। तो आपको ये बीमारी भाई कई नामों से भाई जानी जाती है, हर जगह भाई अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो आप भाई जिस भी नाम से इस बीमारी को जानते हो, ठीक है, मैं भाई उसका इलाज बताने वाला हूँ आपको। और ये बीमारी आपके कबूतर को भाई कैसे होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो भाई वीडियो एंड तक देखिएगा, और भाई अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ, जब आपका कबूतर भाई लखवे में आता है तो भाई इस कदर की हरकत करता है। आप देख सकते होंगे भाई स्क्रीन पे क्लिप आ रही होगी, ठीक। तो भाई आपने क्लिप देख ली होगी, भाई इस तरीके की हरकत करेगा जब आपका कबूतर भाई लखवे में आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कबूतर की बीमारी भाई होती कैसे है। भाई सिसोमोनिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। सबसे पहले तो यार कबूतर को बुखार आता है, एक तरह से भाई बुखार का ही अटैक होता है जिससे आपका कबूतर भाई लखवे में आता है। सिसोमोनिया जो बैक्टीरिया होता है पहले आपके कबूतर में आएगा, ठीक, जिससे कबूतर को भाई बुखार आ जाता है। बुखार आने के बाद क्या होता है, कबूतर के जो कुंडे होते हैं वो गर्म हो जाते हैं और नाक और मुंह से कबूतर गर्म हवा छोड़ने लगता है और एकदम से भाई अटैक आता है जिससे आपका कबूतर भाई लखवे में आ जाता है। एक तरह से भाई आप कह सकते हो कि जैसे इंसानों में पैरालिसिस की बीमारी आपने सुनी होगी जिससे भाई आधा शरीर आदमी का काम नहीं करता है, वैसे ही भाई कबूतरों की भी यही बीमारी है जिससे हम कहते हैं भाई कबूतर को लखवा आ जाता है। भाई अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, कई लोग भाई कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि जो कबूतर भाई लखवे में आ जाता है क्या उड़ सकता है। तो भाई इसका जवाब मैं कह रहा हूँ हाँ भाई उड़ सकता है, लड़ भी सकता है आपका कबूतर। मैं अपनी अब एक कबूतरी दिखाता हूँ भाई, मेरी गर्दन से आ गई थी लखवे में, जिसे आप कहते हो लखवे में आ गया कबूतर, आ गई थी भाई, और वो कबूतरी भाई लड़ भी रही है। और देखो भाई वो बैठी हुई दस्ती दिख रही है आपको, देखो भाई ऊपर बैठ गई, आपको दिख रही होगी, देखो ठीक है दिख गई भाई। तो भाई अभी भी हल्की सी झलक है मगर ये कबूतरी हमारी लड़ती हुई है, गर्दान है और इस समय भी लड़ रही थी, ठीक। तो ये ऐसे मैंने अपने कबूतर भाई सही किए हैं, काफ़ी भाई कबूतर सही किए हैं, आप भी ऐसे सही कर सकते हो अगर आपका कबूतर भाई लखवे में आ जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यार मैंने भी जब मुझे ये बीमारी का इलाज नहीं पता था, मैंने भी आपकी तरह भाई कई वीडियो देखी, कई भाइयों की मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, भाई कई भाइयों की तो वीडियो में समझ में आई और कई भाइयों की तो वीडियो बिल्कुल समझ में आई, उन्होंने लिखा है भाई कि 2-3 दिन में आपका कबूतर सही हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं व्यू पाने के लिए, ठीक है, सब्सक्राइबर पाने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि 2-3 दिन में सही हो जाएगा, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि बीमारी आपको जल्दी हो जाती है मगर बीमारी सही होते होते आपको बहुत टाइम लगता है। भाई एक तरह से आप कह सकते हो कि इंसानों की समझ लो, ठीक है, कोई बीमारी हमें तो यार आसानी से हो जाती है, आराम से हो जाती है, मगर बीमारी को सही करने में भाई काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे भाई कबूतरों में वो होता है, बीमारी भाई कबूतरों को हो जाती है मगर सही करने में भाई काफ़ी टाइम लग जाता है, कबूतरों को बीमारी सही करने में। भाई उन भाइयों का भी कहना सही है कि 2-3 दिन में कबूतर सही होता है मगर सही हो जाता है टैबलेट, किसी टैबलेट या टिकिया से या कैप्सूल से सही नहीं होता है, किसी भी दवा से सही नहीं होता है भाई। उसके लिए कबूतर को भाई 2 इंजेक्शन लगते हैं, लखवे के भाई 2 इंजेक्शन लगते हैं जो भाई पंछी के डॉक्टर लगाते हैं। 200 रुपये का एक इंजेक्शन होता है, आपको कबूतर को वो इंजेक्शन 2 लगवाने पड़ेंगे, मतलब 400 का इंजेक्शन लगेगा आपके कबूतर को वो, और जो डॉक्टर की जो फीस होती है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी, मतलब 700 रुपये का खर्चा है। अब मान लो आप 150 का कबूतर है, आप 700 रुपये थोड़ी ना खर्च करोगे, बहुत ही ज़्यादा अगर आपको पसंद होगा वो कबूतर तभी भाई, जो कोई भी भाई होगा हमारा तभी वो खर्च करेगा अपने कबूतर पे 700 रुपये 800 रुपये, बहुत ही ज़्यादा प्रिय होगा तभी। मगर हमें ऐसा करना नहीं है, हम आपको टैबलेट बताने वाले हैं जिससे भाई आपका कबूतर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने कई कबूतर सही किए हैं, आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया अपना, ये कबूतरी वो देखो भाई बैठी है, आपको दिख रही होगी दस्ती बैठी है, ये देख रहे हो दस्ती बैठी है, ये मेरी बिल्कुल सही हो गई है और लड़ती बिड़ती भी है, गर्दान है हमारी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो टिकिया है भाई नीरोबियन, ठीक है, देख रहे हो आप नीरोबियन विटामिन बी, ठीक है, इसमें विटामिन बी है और ये भाई नस की दवा होती है, हम इंसानों की भी नस की दवा होती है, आप देख सकते हो भाई। इसकी भाई आपको एक टिकिया देनी है, ठीक है, एक टिकिया आपको कबूतर को देनी है या फिर आप आधी भी दे सकते हो, ठीक है, और कोई नुकसानदायक नहीं है। अगर आप अपने कबूतर को भाई पूरी दे देते हो कोई नुकसानदायक नहीं है। अब ये ना मत करना कि भाई पूरा पत्ता लाए, एक दिन में आपको कबूतर सही करना है तो आपने ये पूरा पत्ता ही खिला दिया कबूतर को, भाई नहीं ऐसा मत करना भाई, नुकसान हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कबूतर का ये टिकिया देने के बाद सही कैसे करना है। ये टिकिया आपको डेली आपको एक टिकिया देनी है, ठीक है, डेली आपको एक टिकिया देनी है। जैसे आप आधी आधी टिकिया दे रहे हो तो सुबह शाम दे देना, ठीक।
अब आपको कबूतर भाई सही कैसे करना है, कुछ लोग क्या करते हैं कबूतर के पर काट देते हैं, जिसे कहते हैं कि कबूतर भाई हल्का हो जाएगा तो जल्दी सही हो जाएगा, मगर ऐसा भाई बिल्कुल नहीं है। कबूतर के भाई बिल्कुल आप पर ना काटिएगा, कबूतर को जैसा है वैसे बने रहने दीजिएगा, टेढ़ा है ठीक है, मगर दाना जैसे कि आपको कबूतर नहीं खा पा रहा है तो आप कुछ दिन उसको दाना भरा देना, जैसे चने हैं तो थोड़ा बहुत चने, घर की रोटी है तो वो भरा देना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो खुली जगह में आपको कबूतर को छोड़ कर रखना है, जैसे कि अपनी छत में आकर, जैसे कि बिल्ली आने का डर नहीं है आपको, तो बिल्ली आने का डर नहीं तो आपको अपने कबूतर को भाई ऐसे छोड़ देना है, धूप में भाई तपेगा ठीक है, पर अड़ चलाएगा तो आपका कबूतर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मैंने भी अपने कबूतरों को भाई ऐसे ही सही किया है, आप भी ऐसे सही कर सकते हो। तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, नीरो बियान ये टिकिया है ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा ठीक है, स्क्रीन में भी आपको शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगा, आपको आसानी से मिल जाएगी मेडिकल स्टोर में, किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगी। या आप अपने कबूतर को दो और जैसे मैंने बताया आप वैसे करो, आपका कबूतर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है। और वीडियो भाई अच्छी लगी तो वीडियो को यार लाइक कर देना और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, अभी तक भाई जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। और भाई कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव तो मैंने काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाल के आपको बनाई है, इस वीडियो को काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो आपको वीडियो खासकर अच्छी लगी होगी ठीक है। अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में।